अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास है। हरी चिकन, हरा मसाला चिकन बना रही हूँ, जो कि मेरी अपनी और बहुत ख़ास रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ ये आप सबको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही सादे मसालों से बने, इसमें कोई डब्बा कोई किसी चीज़ का कोई मुश्किल मसाला नहीं डाला गया। इसमें सिर्फ घर की अंदर ही चंद चीज़ें जो मौजूद होती है उन्हीं से मैंने बनाया है, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें, अब मैंने लिया 1 किलो चिकन, उसके साथ लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये मसाले हैं, चिकन है। देखिए 1 किलो चिकन ले लिया है मैंने, उसके लिए लाल मिर्च 2 चम्मच, सूखा धनिया, हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला, नींबू, नमक, प्याज का पेस्ट बना लिया 3 अदद प्याज लेके, उनका पेस्ट नहीं बनाया, उनको चॉप करा है मैंने अच्छी तरह से। टमाटर लेके भी अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया, जो कि नरम थे उससे ज़्यादा पेस्ट लग रहा है। हरा धनिया मिर्चे, पुदीना, इसका पेस्ट बना लिया मैंने, हरा धनिया, पुदीना और मिर्चे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और मैंने ऑयल अब अच्छी तरह मीडियम आंच पर मैंने इसको गर्म कर लिया। अब इसके गर्म होते ही अब इसमें ऐसा करेंगे हम लोग कि इसमें प्याज ऐड करेंगे सबसे पहले। ये देखें, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्याज, और इसमें हमने अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना ताकि हमारे प्याज बिल्कुल भी लगे ना, ये ना वो कि हमारे प्याज लग जाए, उनका कलर बिल्कुल ऐसा हो जाए तो वो जले हुए सालन का जो टेस्ट आता है। टमाटर चला गया गलती से, ये निकाल देते हैं। ये देखें, और इसमें अब चम्मच अच्छी तरह चलाते रहना जब तक के इनका कलर चेंज ना हो जाए। बिल्कुल ब्राउनिश नहीं होना चाहिए पर इनका कलर चेंज होना चाहिए। देखिए लो मीडियम पे आँच पे पका रही हूँ, मीडियम आँच पे पका रही हूँ, ये नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी वरना एकदम ये जल जाएंगे, और जले हुए प्याजों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और सालन को पूरे सालन को ख़राब कर देता है। अब हम इसको इतना भुनेंगे कि इसका सिर्फ जायका टेस्ट और कलर चेंज हो जाए, खूबसूरत सा कलर आ जाए खूबसूरत सा, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी सामान। और ये बहुत ही आसान बनता है, और क्योंकि इसमें इसके सारे ऐसे ना वही मसाले डलते हैं जो सारे हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं, कोई इसमें बड़ा झंझट नहीं है कि ये मसाला लेना है वो लेना है ना। इसमें दही ऐड करी है मैंने, ये बगैर दही के बना रही हूँ, और आप प्लीज़ ये बनाइएगा देखिएगा बहुत मज़े का बनता है। इसमें हम लहसुन अदरक ऐड करेंगे तो भी अच्छी तरह से हो जाएगा। लहसुन अदरक से पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक ऐड करेंगे। लहसुन अदरक भी बना के रख दिया 1 चम्मच। अब हमारे प्याजों का अच्छे से कलर चेंज हो रहा है, और जैसे इसका कलर चेंज होगा उसके बाद हम लोग इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। देखें, ये देखें, अब ये 1 किलो गोश्त है, ये 1 kg गोश्त, 1 kg चिकन है ये। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसको लगातार कम से कम भी 15 मिनट तो मस्ट है, 15 मिनट, क्योंकि जितना ज़्यादा इस गोश्त को भूना जाएगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो पूरा सालन का जायका वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। ये मेरी अपनी रेसिपी है और ये बहुत मज़े का बनता है। गाइस प्लीज़ यू मस्ट ट्राई इट, और गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज़। ये देखिए, अब हमने इसको तकरीबन ये 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और हमारा चिकन इतना बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ये हमारा तकरीबन चिकन गल चुका है, अब हम इसको ये और ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें लहसुन का पेस्ट डाला। इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट भून लेंगे फुल अच्छी तरह ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, और फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें टमाटर, हमने चॉप करे थे पर टमाटर बिल्कुल नरम थे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह चॉप हो गए, और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। देखें प्योरी फॉर्म में है ये तो, और ये है तकरीबन 5 टमाटर इसमें और फिर इसमें हरी मिर्च, धनिया, पुदीना का पेस्ट भी डाल दिया है। 1 घंटी धनिया, आधी घंटी पुदीना और 9 से 10 हरी मिर्चें डाल दिए मैंने इसके अंदर, और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब इसको इतना भूनेंगे कि आप बिल्कुल ये अलग अलग कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल यकजा हो जाए ये बिल्कुल, और तेल निकल आए। हम इसको इतना भूनेंगे, और इसको आप मर्ज़ी ये तेज़ आंच पे भी भून सकते हैं ताकि जल्दी निकल आए, ये ना हो कि गोश्त बिल्कुल घुल जाए आपका। इसलिए आपने इतना फ्राई करना है कि आपको अच्छी तरह आपका सालन तैयार हो जाए। गाइज आई एम न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी। सूखा धनिया, लाल मिर्च सिर्फ इतना कि ज़रा सा सालन का कलर तब्दील हो जाए, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने, सूखा धनिया, हल्दी ज़रा सी ऐड करी है। अगर आप स्किप करना चाहें लाल मिर्च तो यू कैन स्किप इट।
देखिए अब हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और साइडों से भी उतारते जाएंगे कि ताकि साफ हमारा सालन कढ़ाई भी साथ साथ साफ होती रहे, कढ़ाई पे लगता ना रहे, ताकि वो फिर जले तो उसके स्मेल ना आए, लग जाता है तो। ये देखें अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार होने पे है, इस क्योंकि इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया। और ये आप बात याद रहे कि इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया, इसे मैंने ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से, ना पहले ऐड किया था ना अब किया है। इसको सिर्फ अच्छी तरह भूने, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब हमारा सालन बिल्कुल शक्ल इसकी तब्दील हो चुकी है। ये देखिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नींबू एट द एंड, मैंने इसमें दही नहीं डाली, आप लोग भी मत डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इस पेस्ट के अंदर दही डाल के फिर आप ऐड कर सकते हैं, पर इसमें टमाटर वगैरह डले हुए हैं तो इसका एक अपना ही जायका है, विदाउट दही भी इसका एक अपना ही जायका है। गाइस प्लीज़ ट्राई इट। और अब सालन तैयार है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी है, ये बिल्कुल भुना हुआ नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भुना हुआ है, ये इतना है कि आप लोग मज़े से आराम से रोटी के साथ खा सकते हैं, ये बिल्कुल खुश्क भी नहीं होगा और ये बहुत मज़े का, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। गाइस प्लीज़ ट्राई इट, गाइस प्लीज़ ट्राई इट, इट्स अमेजिंग डिश एंड इट्स माई ओन रेसिपी, सो प्लीज़ गाइस ट्राई इट। और गाइस मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपने अगर ये बनाया तो कैसा बना। थैंक यू सो मच, इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है गाइस।